इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 4 स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हम जानते हैं कि नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, और इस सिंप्लीफाइड डायग्राम की हेल्प से सबसे पहले हम नेफ्रॉन का ग्रॉस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो नेफ्रॉन को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये कैप्सुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम रीनल कॉप्सल बोलते हैं, और ये ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले हम रीनल कॉप्सल देख लेते हैं। तो कॉप्सल को हम फर्दर 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बाउमेन कैप्सूल कहते हैं, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर ये कैपलरीज का गुच्छा होता है, टफ्ट ऑफ कैपलरीज होती हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है नेफ्रॉन का, तो इसको हम 3 ब्रॉड रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ये आगे के हिस्से को हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है किसी भी सामान के आगे का हिस्सा। तो ये क्योंकि पहला रीजन है, यहीं से शुरुआत होती है ट्यूबुलर रीजन की, इस ट्यूबुलर पार्ट की, तो ये प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है घुमावदार या कुंडली नुमा, जैसे जिसमें कर्व्स हों। तो कर्व्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं इस ट्यूबुलर पोर्शन में, तो इस वजह से इस रीजन को, ट्यूब्यूल के इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो यू शेप्ड का ये जो पार्ट है, ट्यूब्यूलर पार्ट है, इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो ये क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेट आएगा चल के, तो ये डिसेंडिंग पार्ट होता है लूप का, और ये असेंडिंग पार्ट होता है। यहीं पे हम आपको एक और बात बता दें कि जो डिसेंडिंग पार्ट होता है लूप का, ये इट इज़ परमिएबल टू वाटर, जबकि असेंडिंग पार्ट में सॉल्ट्स का रीअब्सॉर्प्शन होता है। जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात को जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। फिर यहाँ पर ये जो पीछे का हिस्सा है ट्यूब्यूल का, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किसी भी बॉडी का जो, किसी भी स्ट्रक्चर का जो पीछे का हिस्सा होता है, उसे हम बोलते हैं डिस्टल। और क्योंकि यहाँ पे भी हमें इस ट्यूब्यूल में कर्व्स दिख रहे हैं, तो इस वजह से इस हिस्से को हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फाइनली एक डक्ट में ओपन होता है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को रिसीव करती है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। एक और बात यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि यहाँ पर एक ये लाइन दिख रही है, ये जो लाइन हमने यहाँ पे दिखाई हुई है, ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन है किडनी का। जो हमने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला आप लोगों को बताया था, ज़रूर याद होगा आपको। तो ये लाइन के ऊपर वाला जो रीजन है ये कॉर्टिकल रीजन है, और लाइन के नीचे वाला जो रीजन है ये मेडुलरी रीजन है किडनी का। तो ध्यान से देखिए, तो नेफ्रॉन का ये जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये कॉर्टिकल रीजन में लाई करता है। तो कॉर्टिकल रीजन में ये रीनल कॉप्सल, पीसीटी, पूरा पीसीटी और पूरा डीसीटी, तो ये जो पार्ट्स हैं ट्यूब्यूल के, नेफ्रॉन के, ये पार्ट्स रीनल कॉर्टेक्स में लाई करते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले का काफ़ी हिस्सा ये मेडुलरी रीजन में लाई करता है। इस डायग्राम के हेल्प से हम रीनल कॉप्सल के स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ ये हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम लगाया हुआ है कि ये एक्सटर्नली ये रीनल कॉप्सल देखने में कैसा लगता है। तो किडनी में जो एक्सटर्नल व्यू रीनल कॉप्सल का दिखता है वो ऐसा दिखता है ये। और यहाँ पर ये कट सेक्शन दिखाया हुआ है रीनल कॉप्सल का, तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। रीनल कॉप्सल, जिसे हम ग्लोमेरुलर कॉप्सल भी कह सकते हैं, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बाउमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल, और एक होता है टफ्ट ऑफ कैपलरीज। जो इंटरनली टफ्ट ऑफ कैपलरीज होती हैं उन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो जो बाउमेन कैप्सूल होता है वो डबल लेयर्ड होता है। आउटर लेयर को हम पेराइटल एपिथीलियम कहते हैं,
और इनर लेयर को हम विसरल एपिथीलियम कहते हैं। जो पेराइटल एपिथीलियम है वो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम है, स्क्वामस सेल्स का बना हुआ है, और जो इंटरनल जो एपिथीलियम है, जो विसरल एपिथीलियम है, वो देखिए ज़रा ध्यान से, तो उन्होंने कैपलरीज को बिल्कुल कवर किया हुआ है, कैपलरीज से क्लोजली एसोसिएटेड है ये लेयर, और ये इसमें खास तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स की खासियत है कि इनमें पोर्स होते हैं। जब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम देखेंगे कि इनके जो साइज़, ये पोर्स के जो साइज़ होते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स ब्लड के वो फिल्टर होके इधर ये ग्लोमेरुलर स्पेस में आएंगे, और कौन से कंपोनेंट वो ब्लड में ही रह जाएंगे। जो बड़े कंपोनेंट होंगे, बड़े साइज़ के होंगे, जैसे ब्लड सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो ब्लड में ही रह जाएंगी, और जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा, बहुत सारा पानी, वो सब इन पोडोसाइट्स के, ये जो हमें यहाँ पे दिख भी रहे हैं डायग्राम में, तो इन स्पेसेस से वो ब्लड को छोड़कर और ये ग्लोमेरुलर स्पेस में आ जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। डिटेल में स्टडी करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को आगे के प्रेजेंटेशंस में। फिर यहाँ पे ये टफ्ट ऑफ कैपलरीज को हम पहले ही बता चुके हैं कि इनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ एक और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये एफरेंट आर्टेरियोल दिखाया हुआ है, ये रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है। तो हर जो रीनल आर्टरी जब एंटर करती है किडनी में, तो बहुत सारी ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे एफरेंट आर्टेरियोल बना लेती है, और एक एफरेंट आर्टेरियोल एक नेफ्रॉन में एंटर करता है, नेफ्रॉन के रीनल कॉप्सल में एंटर करता है, और दैट एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म्स द टफ्ट ऑफ कैपलरी इनसाइड द रीनल कॉप्सल। और फिर जो ब्रांच ब्लड वेसल की रीनल कॉप्सल से, बाउमन कैप्सूल से बाहर आती है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। तो ये स्ट्रक्चर था रीनल कॉप्सल का। यहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो हमने डायग्राम दिखाया है नेफ्रॉन का, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, और एक्चुअल अरेंजमेंट जो नेफ्रॉन का होता है, जो इसके पार्ट्स का जो होता है एक्चुअल अरेंजमेंट, वो डिफरेंट होता है। आगे की स्लाइड में देखेंगे कि एक्चुअल जो ओरिजिनल नेफ्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। इस डायग्राम में नेफ्रॉन का एक्चुअल अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, जिस तरह से नेफ्रॉन किडनी में अरेंज्ड होते हैं। ध्यान से देखिए आप इस डायग्राम को, तो जो एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एक हिस्से से कम्युनिकेट कर रहा है। जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस जब हम डिस्कस करेंगे, तो ये अरेंजमेंट को ध्यान में रखना, इस अरेंजमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहले ही हम बता चुके हैं कि लूप ऑफ हेनले मेडुलरी रीजन में लाई करता है, जबकि रीनल कॉप्सल पीसीटी और डीसीटी ये कॉर्टिकल रीजन में लाई करते हैं। ये इस अरेंजमेंट को यहाँ इस डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ दो टर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इनके बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन यानी कि, ध्यान से देखिए, डायग्राम अपने आप ही बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को दर्शा रहा है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन के जो लूप ऑफ हेनले हैं वो बहुत छोटे हैं, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले बहुत लंबे हैं, और ये मेडुलरी रीजन में बहुत डीपली सिचुएटेड हैं। तो ये डिफरेंस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। इनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस नेफ्रॉन का अधिकतर हिस्सा कॉर्टिकल रीजन में ही लाई करता है। लूप ऑफ हेनले बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर ही मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट हैं। और एक बात बता दें आपको कि जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म सीखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर सीखेंगे, तो वहाँ पे ये बात और क्लियर होगी कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, और
इनका लेकिन परसेंटेज, टोटल परसेंटेज ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बहुत कम होता है। अधिकतर नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, 85% ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ओनली 15% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन भी डिस्कस कर लिए हैं और इस डायग्राम की हेल्प से हमने नेफ्रॉन का एक्चुअल अरेंजमेंट भी सीख लिया है जो कि किडनी में हमें देखने को मिलता है। इस डायग्राम में भी कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अरेंजमेंट दिखाए हुए हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेडुलरी रीजन में बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर ही इसका लूप ऑफ हेनले सिचुएटेड है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है ये डीपली पेनिट्रेट करता है मेडुलरी रीजन को। तो ये बात इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से दिखाई हुई।